ये शरीयत में ऐसा नहीं है कि जब तुम बीमार हुए तो हर चीज तुम जो है अल्लाह तवक्कुल पर छोड़ दो। हर चीज अल्लाह तवक्कुल पर छोड़नी चाहिए, लेकिन बहरहाल ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि अपने इलाज मुआलजा की फिक्र ही ना करें, बल्कि आप कोशिश ना करें कि मेरे जो बीमारी है सब कुछ है वो मुझे सही कराना अपने आप को। ऐसा तकवा शरीयत में कभी क्या है मुआयन नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठ गए और आप बस सोच लिया कि हाँ भाई अब तो मैं बीमार हूँ, अब कुछ भी होगा देखी जाएगी और बस अब तो बस अल्लाह ही मुझे बचाए। अल्लाह बचाने वाले हैं हर एक को, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात का हुक्म भी दिया है कि तुम्हें असबाब इख्तियार करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठना है। सेहत और हिफ्जान सेहत एक अजीम नेमत है। हमें अपनी सेहत की हिफाजत करना ये हमारे लिए शरीय एतबार से ये एक मुकल्लफ चीज है। हमें हर हाल में अपनी सेहत की हिफाजत करना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते कि बस हमने सोच लिया और हमने अपनी सेहत की हिफाजत नहीं करी, क्योंकि अगर हमने अपनी सेहत की हिफाजत नहीं करी तो इस शक्ल में हमारे लिए एक मसला जो है अजीम पेश आ जाएगा। अल्लाह हमसे नाराज रहेंगे क्योंकि इन्ना जिस्म का एक हक हमारे जिस्म का वाले हक है और हमारा जिस्म हमारे पास अल्लाह की अमानत है, तो हमें इस अमानत का सही तरीके से हक अदा करना पड़ेगा। चलिए।